नमस्कार विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर अपनी बातचीत हुई थी, जिसमें किस प्रकार मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। इन कुछ चीज़ों पर अपन ने चर्चा की थी। अभी हम प्रधानमंत्री की जो चयन व नियुक्ति है उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री 6 माह तक संसद का सदस्य रहते हुए ही पद पे बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर यदि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसको अपना पद है वो छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पद को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, किंतु भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का संक्षेप में ही अनुच्छेद 74, 75 और 78 में उल्लेख किया गया है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 में भी राष्ट्रपति के साथ व्यवहार के विषय में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान के संक्षिप्त प्रावधान ने तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की पद्धति को स्पष्ट कर पाते हैं और न ही उस महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर पाते हैं जो देश को राजव्यवस्था में प्रधानमंत्री को प्राप्त है। वास्तव में प्रधानमंत्री से संबंधित समस्त अध्ययन सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर ही आधारित ज़्यादा है। इनके चयन नियुक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री का चयन उस दल द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और फिर उस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार दल द्वारा चयन पहले होता और फिर उसकी नियुक्ति के बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट तय किया जाता है। इस प्रकार लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को वो अपना प्रधानमंत्री तय करते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति उसको उसकी शपथ दिलाता है। 1950 से लेकर अब तक की स्थिति है प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के प्रसंग में 4 प्रकार की स्थितियां रही हैं। पहली है स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। जब किसी एक नेता के नाम पर कोई राजनीतिक दल का दलीय गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, चुनाव जीतता है, तब समझा जाता है कि वह स्वयं जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन किया गया है। 1952, 1957, 1962 में स्वयं जनता ने प्रधानमंत्री पद के लिए पंडित नेहरू का चयन किया था। 71 और 80 में गांधी, 1984 में राजीव गांधी इस पद के लिए चयन भी स्वयं जनता ने किया। 1999 में प्रधानमंत्री के चयन में भी जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आम सहमति के आधार पर भी प्रधानमंत्री का चयन 1964 में शास्त्री जी, 1967 में इंदिरा गांधी, 1977 में मोरारजी देसाई, 89 में वीपी सिंह और 91 में पीवी नरसिम्हा राव, 97 में देवगौड़ा और गुजराल ने आम सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री प्राप्त किया था। इसके अलावा लोकसभा के बहुमत दल या बहुमत वाले गठबंधन में नेता पद के लिए चुनाव संघर्ष और प्रधानमंत्री का चयन यह भी एक प्रक्रिया है। 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती गांधी और मोरारजी देसाई 2 उम्मीदवारों में से श्रीमती गांधी को अपना नेता चुना था। 1998 में 12वीं लोकसभा का सबसे बड़ा दल भाजपा थी और भाजपा ने ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थी। भाजपा ने चुनाव से पूर्व ही वाजपेयी को अपना संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया था और भाजपा को प्राप्त सफलता में वाजपेयी का निश्चित योगदान था। इस दृष्टि से वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता की पसंद कहा जा सकता है, लेकिन इस दृष्टि से वाजपेयी को स्वयं को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पसंद कहा जा सकता है, लेकिन यह स्थिति आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि लोकसभा में भाजपा की स्थिति स्पष्ट बहुमत से दूर थी। 2004 में 14वीं जो लोकसभा थी उसके चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चयन विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरा। लोकसभा में एक दल के रूप में कांग्रेस और एक गठबंधन के रूप में कांग्रेस, गठबंधन के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी।
तथा चुनाव परिणाम आने के लगभग तुरंत बाद ही वामपंथी गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि वह सरकार के गठन में कांग्रेस दल को समर्थन देगा। इस प्रकार कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया। कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुने जाने के बाद समर्थक दलों ने सोनिया को अपने समर्थन पत्र सौंप दिए। इस प्रकार सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित समझा गया। इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में संविधान में व्यवस्था होती रही है। इसके अलावा हम देखें अगर 2009 जो 15वीं लोकसभा थी के चुनाव में कांग्रेस दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। चुनाव में कांग्रेस दल ने अपनी स्थिति में भारी सुधार किया। कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से मनमोहन सिंह को अपना नेता चुना और 23 मई 2009 को मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है उसकी भूमिका और स्थिति महत्वपूर्ण रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री पदधारी अपना पद अपनी राजनीतिक शक्ति और जनता के सीधे समर्थन से के बल पर प्राप्त करता है तो आत्मविश्वास के साथ साथ शासन प्रमुख के रूप में कार्य करने में भी वह समर्थ होता है। लेकिन जब वह अपना अन्य तत्वों से समर्थन सहयोग प्राप्त करता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति स्वाभाविक रूप से निर्बल भी हो जाती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।